कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की चिंता काफी बढ़ गई है। वहीं कोरोना काल में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर बना रेलवे आइसोलेशन कोच पाटलिपुत्र स्टेशन पर तकरीबन 7 महीने से बेकार खड़ी है, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। जबकि बिहार के सभी अस्पताल में बेड फुल हो गए हैं, मरीज भी बेहाल हैं। इसका जायजा लिया नेशन न्यूज संवाददाता राजीव कमल ने। कोरोना महामारी पूरे देश में फैल चुकी है, उसके चपेट में लाखों लोग रोज कोरोना वायरस से पीड़ित हो रहे हैं। वहीं बिहार में तकरीबन कम से कम 5,000 से ज्यादा लोग ही कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और बढ़ती संख्या कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। जिस तरीके से अस्पताल, सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, वहां लोग पहुंच रहे हैं, कोरोना पेशेंट पहुंच रहे हैं, जहां बेडों की संख्या बहुत कम है, बेड नहीं है, जिसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखती है कि हमें बेड उपलब्ध कराइए, हमें अवसर सुविधा दीजिए। वहीं जब ये रोना अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार के पास रोती है, तो कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय लगता है कि यहाँ के लोगों की कैसे समस्या कोविड-19 से दूर होगी, क्योंकि जिस तरीके से हालात है अस्पताल के, वो कहीं कहीं भयावह स्थिति है। आज हम पाटलिपुत्रा आउटर पे खड़े हैं, आउटर स्टेशन के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक कोविड-19 आइसोलेशन कोच आपको दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं इसकी स्थिति कैसी है। ये एक तरीके से एकदम आपको जर्जर स्थिति है। ये आइसोलेशन कोच बनाया गया था पिछले साल, आपको जब रेलवे ने और केंद्र सरकार के सहायता से ये कोच बनाया गया था। इसको इसलिए बनाया गया था कि कोविड-19 के पेशेंट हैं उनको इसमें रखा जाएगा, सुविधा दी जाएगी। ये 274 बेड का ये एक तरीके से पूरा ट्रेन है जो बनाया गया है और इसमें जितने भी कोविड पेशेंट हैं उनको इसमें रखा जाएगा। पटना में ये एक तरीके से इसको रखा जाना था, हर एक राज्य में एक आपको आइसोलेशन कोच बनाया गया था, उसी के तर्ज पे इसको अंदर तमाम सुविधाएं इसमें दी जानी थी, रखी गई थी बिहार केंद्र सरकार और रेलवे द्वारा। लेकिन इसकी स्थिति इतनी बुरी है कि आप देखने से आपको पता चल रहा होगा, आपको कैमरे में दिखाई दे रहा होगा कि इसकी स्थिति देख सकते हैं, पेड़ तो खर्च चुके हैं। अब ये काफी आपको लग रहा है तकरीबन ये 6 महीने साल भर से यहाँ खड़ी है और एक तरीके से जो दावे करती है केंद्र सरकार की, हम बेडों की कमी नहीं होने देंगे, हम सुविधाएं देंगे, लेकिन आपको दावे के पोल खुलते आपको दिखाई दे रहा है ये आइसोलेशन कोच। क्योंकि जो राज्य सरकार है वो भी दावे करती है कि हम लोगों को काफी सुविधा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन पाटलिपुत्रा आपके बगल में है, राजधानी के आपके बगल में है, देख सकते हैं कि यहाँ आइसोलेशन कोच खड़ी है जिसकी स्थिति एकदम दयनीय है। अगर राज्य सरकार इसको केंद्र सरकार से अगर एक तरीके से मांगे और इसको सुविधाजनक बनाए तो ये बेड ही काफी ये काम आएगी, लोगों को सुविधा मिलेगी। लेकिन एक तरीके से ये एक तरीके से घोटालों के भेद चढ़ चुका है, ये आप मान सकते हैं कि इसकी स्थिति इतनी बुरी है कि आपको देखने में ही लग रहा होगा ये कहीं से काम लायक नहीं है। अब राज्य सरकार केंद्र सरकार को लिखती है, रेलवे भी दावे करती है कि हम आइसोलेशन सेंटर देंगे, हर एक राज्य को बना के देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आपको तस्वीरें में साफ देखते हुए हम छोड़ रहे हैं कि देख सकते हैं कि तस्वीर आपको दिखाई दे रही है कि कोविड के नाम पर कहीं ना कहीं खाली खाना पूर्ति किया जा रहा है। पटना से अमित के साथ मैं राजीव कमल।